हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्त, आज हम बात करेंगे इस एम्ब्रोडिल ए सिरप के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसकी जानकारी रखना चाहते हैं या फिर आपको खांसी जैसी समस्या रहती है और खास करके दमे वाली खांसी जैसी समस्या रहती है, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि आपको इस सिरप की पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये जो एम्ब्रोडिल एस सिरप है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आपको खांसी की समस्या रहती है और खांसी के साथ साथ आपको दमे जैसी समस्या भी रहती है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एम्ब्रोडिल सिरप है, ये एरिस्टो की बनाई हुई एक शानदार प्रोडक्ट है। और दोस्तों, इसकी एमआरपी की बात की जाए तो इसकी एमआरपी काफी कम है, 23 रुपीज, और ये 100 ml के पैक में आती है। दोस्तों, इसके अंदर के साल्ट की बात की जाए, इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है और सल्बुटामोल का इस्तेमाल किया गया है। और फ्रेंड्स, इस सिरप के अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg और सल्बुटामोल सल्फेट 1 mg इस्तेमाल किया गया है पर 5 ml में। यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल 5 ml करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg और सल्बुटामोल 1 mg जाएगी। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, खास करके उनके लिए जिनको खांसी के साथ साथ हफनी जैसी समस्या रहती है, यानी कि दमे जैसी समस्या रहती है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया ढंग से ये सिरप काम करती है। और फ्रेंड्स, ये जो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इसमें मिलाया गया है, ये कफ को बाहर निकालने में बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है, बहुत ही बेहतर ढंग से काम करती है। और इसके अंदर जो सल्बुटामोल इस्तेमाल किया गया है, वो आपके दमे जैसी समस्या को दूर करता है। यानी कि कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये सिरप बहुत ही बढ़िया चीप एंड बेस्ट सिरप है, क्योंकि इसकी एमआरपी भी बहुत ही कम है और ये 100 ml के पैक में आती है। और ये जो एम्ब्रोडिल ए सिरप है, ये बहुत ही जानी मानी और प्रचलित मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी की समस्या ज्यादा दिनों तक रहती है तो आप इस सिरप के साथ एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप इस सिरप के साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलने की संभावना होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो आप इसके इस्तेमाल के तुरंत बाद पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस सिरप के लेने के बाद कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक आप पानी का इस्तेमाल न करें, ताकि ये अच्छे ढंग से आपके फेफड़ों में काम कर सके। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस सिरप का इस्तेमाल किसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाइल्ड हैं तो भी इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर आप प्रेग्नेंट रहते हैं तो भी आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते तो भी आप इस सिरप के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था एम्ब्रोडिल ए सिरप के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।